तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई है 31 अक्टूबर, आज है दिवाली। तो भाई राम राम भाई दिवाली की सभी को फ्रॉम लंदन। और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे जी। तो अभी ये मैंने झंडे पे नहीं टांग रखा भाई, कभी तुम सोच रहे ये गेट पे टकरा है, कभी तुम वो डिसरिस्पेक्ट वाला सीन, ऐसा कुछ नहीं है अपना, ऐसा कुछ है नहीं। आज मेरी क्लास है, यूनिवर्सिटी जाना है मुझे, तो अभी 12:30 बज रही है, मुझे थोड़ी सी ग्रोसरीज लानी है। तो अभी चलते हैं अपन, सबसे पहले ये मैं डिसाइड करता हूँ कहाँ जाना है, टेस्को या लिडल या आइसलैंड, इन तीनों में से जाऊँगा। टेस्को दूसरी तरफ है, आइसलैंड और लिडल दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों में से मतलब तीनों में से एक जगह जाते हैं अभी। इसके अलावा एक बार चेक करता हूँ मैं, मेरे को ICICI बैंक में अपना नंबर चेंज कराना है, इंडिया वाला नंबर है, यहाँ वाला करवाना है, क्योंकि बार बार मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन या बेनिफिशियरी ऐड करने में OTP आता है, तो वो नंबर पर आता है, तो नंबर मेरे को फिर सिम डालनी पड़ती है, ये पिक्चर है। तो अभी आज का ये है सीन, तो अभी निकलते हैं, मैं एक बार कपड़े पहन। तो भाई मैंने ये बैग ले लिया, इसमें सामान मतलब एक पॉली बैग और है इसमें, तो वो ले लिया। अब चलते हैं अपन सामान लेने, तैयार। तो दिन में भी ऐसा ऐसा सीन रहता है, जैसे तो शाम हो रही है, बारिश हो रही है, तो अभी मैंने सोचा है कि लिडिल जाते हैं, लिडिल पास में ही, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना है, 2-4 सामान ही लेने हैं, तो लिडिल विल बी द बेस्ट ऑप्शन। एग्जॉस्ट अगर रेव करेगा तो सुनाई देगा, करा ही नहीं एग्जॉस्ट रेव। लिडिल मेरे जिम के रास्ते में ही पड़ता है, रोड क्रॉस। ये स्कूल है, नर्सरी, ओल्ड मॉस्क नर्सरी, हॉल रोड, ऐसे रोड रहते हैं। ठीक है जी, तब लिडिल में पहुँच के पहुँच रहे। एग्जॉस्ट का तो है भाई यहाँ पर, लीगल ही है, इलीगल नहीं है कुछ भी। एक BMW 3 पुरानी वाली, लाइक मे बी 2000 वाला कोई वर्जन ऐसा। जी रिचार्ज करना था, मेरी नेट रिचार्ज कराया, अभी नेट ख़त्म हो गया था, एंड और अभी 4 तारीख तक के लिए, फिर 4 तारीख के बाद तो वो अनलिमिटेड वाला £25 का होता है वो मंथली, तो वो कराए। अभी रुक गई, देख लो गाड़ी। हाँ जी भैया, तो ग्रोसरीज अपनी कंप्लीट है, ये देखो अभी जमा रहा था सिस्टम, क्या गिर गया। अब कॉफ़ी चल रही है, कॉफ़ी पी लेता हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है मैंने, मैंने एक बार कॉफी पी लेता हूँ। ये फोन गिरेगा गिरेगा गिरेगा, टोपी कहाँ है तेरी, स्कूटर फरारी की टोपी कहाँ है। हैप्पी दिवाली बोलो भाई, सब हैप्पी दिवाली बोल भाई, तू दिख ही नहीं रहा, तू तो अंधेरे में। हैप्पी दिवाली बोलो भाई, व्लॉग बन रहा है। अरे देख उसका नाराज होगी वो। हाँ भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। किन्ने उठा लिया ना भाई, यूं कह रहा कि भाई अभी करता हूँ 10 मिनट में। अच्छा 10 मिनट का था। ये वो चर्च है जहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन, और यहाँ से रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो वैसे अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ नहीं मिलेगा।
सिंपल है भाई, लेकिन बस देख के निकलना पड़ता है। ये वो बिल्डिंग है जो मैंने फोटो डाल रखी इंस्टा पे। अगर तुम लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो तुमको पता है ये बिल्डिंग कौन सी, मतलब मैंने फ़ोटो डाल रखी है पहले की यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ है। अब मेरी क्लास में भाई 5 बजने वाली, 4:56 हो रहे, तो मैं जल्दी से क्लास पहुँचता हूँ। ठीक है, इस वाले पेड़ पे लाइट्स लगा रखी है क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से वो चल रही है डेकोरेशंस। तो अच्छी लग रही है, देखो ऊपर बढ़िया ना भाई। हम वापस ले रहे क्रिसमस पे, मतलब नवंबर 1st वीक से लाइट्स चालू होने लग जाएगी। वो जो लाइटें दिखाते हैं लंदन में, मतलब क्रिसमस के टाइम पे जो चलती है, बोलो तो सेंट्रल लंदन जाएंगे हम लोग। मतलब मैं या तो मैं अकेले ही जाके तुमको दिखाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा घूमने या मेरे किसी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा। तो जब जाऊंगा तब दिखाऊंगा, उसका ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हो रहा हूँ लेट। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, मैं स्टेयर्स यूज़ करता हूँ, लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहा। इधर कहाँ लग रहा है यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फ्लोर, बाद में। तो यूनिवर्सिटी से हो चुके हैं फ्री, और ये है मेन। अभी मेरे को क्या कैश विड्रॉ करना है, तो मैं फ्री। मतलब दो टाइप के ATM होते हैं, एक ATM जिस पे चार्जेस लगते हैं, लाइक जो आप जैसे अगर मुझे 10 pound विड्रॉ करने तो 10 pound तो कटेंगे, उसके अलावा कुछ चार्ज कटता है, लाइक 1-2% या कुछ 0.% वो मुझे याद नहीं। कुछ होते हैं फ्री ATMs, तो फ्री ATM से इधर स्ट्रैटफोर्ड जो सेंटर मतलब स्टेशन है ना वहाँ पर, तो ये मोहरी से 10 सेकेंड भाग के निकलना पड़ेगा। ये मेरी यूनिवर्सिटी है इधर, ऐसी बात है। तो अभी यहाँ से घर निकलना है मेरे को, स्ट्रैटफोर्ड जो स्टेशन है ना उस स्टेशन से डायरेक्ट मेरी 2:38 जिस बस से मैं आया हूँ वो चलती है ये स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन से, तो मैं अभी उस स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ अभी। तो मस्त है भाई, ऐसा कुछ स्पेशल अलग नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि दिवाली है या कुछ भी, जैसा रोज़ है वही है। आज हेलोविन है, हेलोविन का भी इतना नहीं है क्योंकि वो US और कैनेडा में ज़्यादा होता है। ये देखो भाई हेलोविन बना के घूम रहा है, अभी बोल रहा था अभी वो मिल गया, क्या बन रहा है, लिवरपूल नहीं डेडपूल। तो ये बात है जी, ठीक है। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मतलब ये वो बिल्डिंग है जिसमें मेरी क्लास लगती है। इधर से एंट्रेंस है, ये पूरी है बिल्डिंग, तुमको थोड़ा दूर से वो देखो सामने रेड कलर का, कितना सेक्सी लग रहा है ना। सेक्सी गंदी बात थोड़ी होती है भाई, सेक्सी होता है, अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी लैंग्वेज में तो यही होता है। और ये देखो मेरे नए जूते, देख बेटी चौथ के जूता देख, कैसे नु बता कैसे लगे, बेटी चौथ ऐसे जूता लाए कर ऐसे पहने कर, ऐसे विचार। तो अभी मतलब बात ये होती, अब देखो ये बिल्डिंग है मेरी, इधर एंट्रेंस है इसकी, और ये पूरी बिल्डिंग है यहाँ से लेके वहाँ तक। इंटर क्या लिख रहा है, यूनिवर्सिटी स्क्वायर स्ट्रैटफोर्ड, ये सालवे है, तो उस पे है ये मेरी बिल्डिंग जहाँ पर मेरी क्लास लगती है, मेरी क्लास होती है, मेरी क्लास नहीं लगती है, क्लास तो इंडिया में ही लगती थी। तो अब घर को हो लेते हैं गुरु, तुमको एक अच्छी सी वो दिखाऊंगा, मतलब स्क्वायर है वो, मतलब जैसे डाउनटाउन होता है स्क्वायर्स होते हैं लाइक दैट। तो यूनिवर्सिटी के पास ही है वो, मतलब वहाँ से मेन बस स्टॉप है, ऐसे छोटे मोटे तो होते हैं, मेन जो बस स्टॉप है ना जैसे जहाँ से सारी बसें चलती, ISBT जैसे होता है, ISBT तो नहीं है। मतलब स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन भी है, बस स्टॉप भी है, तो वो मेन वहाँ से स्टार्ट होती है जो बस मेरे घर को जाती है, तो वो वहाँ से मतलब यूनिवर्सिटी से 5-1 मिनट की वॉक है। तो ये देखो बड़ा रोड क्रॉस करते हुए, इनके ज़्यादा जल्दी है, अब वेट करना पड़ेगा। भाई के बाल कितने सही लग रहे, ये बिल्डिंग और कोई भारी गाड़ी आ रही है, फुल पटाखे फोड़ता हुआ जा रहा है भाई। ये तो इसका मतलब यहाँ पर लीगल है, ये एक और देखो ऐसी चीज है। तो अब मुझे लग गया है कि यहाँ पे लीगल है, बाकी आगे देखते हैं, कहीं पढ़ना पड़ेगा रूल, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कभी अप्लाई करेंगे तो। तो ये अपन आ गए, ये बस स्टॉप है इधर, ये पूरे छतरियाँ सी लग रही है, ये बस स्टॉप है, और इधर ट्रेन स्टेशन है,
ऐसी बात है। और इधर शर्ट कुछ स्क्वायर मॉल काइंड ऑफ है, ये देखो ऊपर कैसी मछलियाँ सी तैर रही है। मज़ा आ रहा है भाई घूमने में, दिवाली जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है घूमने। इधर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मतलब कोई गिटार प्ले कर रहा है, देखो भाई वहाँ भी गिटार बजा रहा है, दिख रहा हो तो तुमको इस जगह पर। ये थोड़ी भीड़ वाली जगह है, मतलब यहाँ पे थोड़ा रश है। इधर से मेरे को बस मिलेगी, यहाँ से ट्रेन भी ले सकती हूँ मैं, बट बस सही है, बस और ट्रेन एक ही बात है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ एक डिफरेंस है प्राइस का, बस मेरे को पड़ती है 1.75 पाउंड्स की, ट्रेन पड़ती है 3 पॉइंट सम पाउंड्स की, क्योंकि ट्रेन स्ट्रेट नहीं आती है। आप मतलब हाँ मतलब मेरी जगह से पहले ट्रेन से एक जगह पर आना पड़ता है, फिर वहाँ से बस से आना पड़ता है मेरी यूनिवर्सिटी तक, और बस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आती है, तो मैं इसलिए बस से आता हूँ, ट्रेन से नहीं आता। मेरे भाई ऐसे स्टॉप होते हैं, ए ए ए ऐसे ए बी सी डी। हाँ जी, तो अब मैं आ पहुंचा घर, मुझे चेंज करके थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाते हैं। और ये देखो तुमको मैं दिखा दूँ, पाउंड ऐसे होते हैं पाउंड, ये मैंने अभी विड्रॉ कराए थे कुछ काम था, तो ये 20 पाउंड, ये 10 पाउंड इंटू 110 ले लो एवरेज, 110 कर लो इंटू 20 और 10 30, 30 इंटू 110 कितने होते हैं दोनों ठीक है जी। तो ये था मेरा दिवाली का व्लॉग, अगर इसके आगे मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं डाल दूँगा। बाकी आप सबको दिवाली की राम राम मेरी तरफ से, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।